हेलो नमस्कार, सीयूईटी यूजी 2024 की आंसर की रिलेटेड इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीयूईटी यूजी 2024 का जो आपका ओपीसीली आंसर की आ गया है, मतलब आपका ओपीसीली आंसर की दे दिया, उसके दो दिन बाद में आपका फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। मतलब आपको चैलेंज करना है इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा चैलेंज कैसे करना, लाइव बताऊंगा कि आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर चैलेंज कैसे करना है, या फिर आपको लगता है कि हमें अभी तक यह भी पता नहीं चला कि आंसर की चेक कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, भैया इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है, हमारे तो पहले 490 नंबर आ रहे थे आंसर की देखने के बाद में 450 ही आ रहे हैं, हमारे पहले 300 आ रहे थे आंसर की देखने के बाद में 320 नंबर आ रहे हैं, कंप्लीट डिस्कस। और जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा, वीडियो एंड तक देखना। अब मैं सबसे पहले तो आपको लेके चलता हूं चैलेंज कैसे करते हैं, उसके बाद में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चले जाते हैं सीयूईटी की ऑफिशियल साइट पे। जैसे ही बच्चों आप सीयूईटी की ऑफिशियल साइट पे आओगे तो आपको ये इंटरफेस खुल के ओपन हो। अरे सर ये नहीं होता, एप्लीकेशन और पासवर्ड डालने होते हैं। हाँ, एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ वहां पर डालना, जैसे ही आपने डाला तो ये इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन होगा। हाँ जी ये तो होता है, लेकिन यहां पर पीडीएफ डाउनलोड का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा, बिल्कुल बताता हूं आपको क्या करना। पहले तो अपना आंसर चेक कर लेना, सर हमने तो सीयूईटी ऑनलाइन दिया था, मतलब एग्रीकल्चर का तो ऑनलाइन पेपर दिया था, उनका आंसर की कैसे कहां पे मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे एग्रीकल्चर में जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ लिखा आ रहा है मवेशियों की नस्ल होलिस्टीन फ्रीजियन का मूल देश है, यहां देखो ऑप्शन स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, इसका करेक्ट आंसर थर्ड हॉलैंड, बिल्कुल करेक्ट है, इस बच्चे ने भी थर्ड करेक्ट किया है। अब आपको कैसे पता करना है, ये जो बच्चों ऊपर देखो आईडी दे रखी ना 2325311929, ठीक है, इसको आईडी से मैच करना। अब मैं ये बताता हूं आपको इसका आंसर क्या है, थर्ड है और लास्ट में क्या है 292। अब इसका आंसर दिखाता हूं कि थर्ड सीयूईटी ने दिया या नहीं दिया है। आपको चले जाना अपने होम पेज पे, यहां देखो चैलेंज ओएमआर चैलेंज सीबीटी, आपको यहां सीबीटी क्योंकि आपका ऑनलाइन मोड यहां लिखा है विजुअल आंसर की सीबीटी, ओएमआर आपके ये है ओएमआर, ठीक है। यहां देखो यहां चैलेंज सीबीटी पे क्लिक मारना है, जैसे ही सीबीटी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां एग्रीकल्चर का आंसर की ओपन हो जाएगा, ठीक है। 29 था ना लास्ट में 929, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं 292, ये देखो 929, ठीक है, उसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑलरेडी थर्ड आंसर करेक्ट था, सीबीटी ने कौन सा दिया थर्ड। लेकिन अगर आपको लग रहा है, एक दो क्वेश्चन और दिखा देता हूं, जैसे कि यह क्वेश्चन है 2022 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे अधिक योगदान था, ऑप्शन फर्स्ट मक्का, चावल, चना, बाजरा, उसके लास्ट में आईडी देखो 936। अब चलते हैं 936 पे, 936, हाँ 936 कहां के गया है, ये रहा 936, इसका सेकंड आंसर करेक्ट दिया, सेकंड आंसर करेक्ट क्या है, चावल, सबको पता है चावल है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, करेक्ट आंसर है। हमें देखना है एक और क्वेश्चन जिसमें हम चैलेंज भी करना है, सारे आंसर ऐसे मिलाने हैं। वाणिज्यिक रूप से आम का प्रवर्धन किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस बच्चे ने स्टोन ग्राफ्टिंग आंसर दिया है, आईडी नंबर है 953, आपको जाना है 953 पे, 953 कहां है, 953 फर्स्ट ऑप्शन दिया, बिल्कुल ये भी करेक्ट दे दिया। अब चैलेंज क्या करें, तो पहली बात तो मेरी सुन लेना, एग्रीकल्चर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन चैलेंज करने वाला है नहीं। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में लगे सर इसमें चैलेंज होगा, एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट किए बिना प्लीज 200 रुपए बर्बाद मत करना, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने पेपर देखा है, हमें तो कुछ भी लगा नहीं है कि इसमें चैलेंज होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन लगे बोले ना तो हमने तुमसे कॉन्टेक्ट करना कोई मतलब नहीं, हमें तो चैलेंज करना है, हमें लग रहा है कि जो आईडी नंबर 17 है इसका सीयूईटी ने फोर्थ आंसर दिया है, लेकिन हमें पता है हमारे पास में प्रूफ है कि इसका आंसर थर्ड होगा, तो आपको थर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कहां पे जाना है, यहां पे फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहां से कोई एक आपको फाइल चुन लेनी है। जैसे ही आपने फाइल चुनी तो यहां पर आपके पास में कैप्चर कोड आते हैं, यहां आपको कैप्चर कोड डाल के सबमिट रिव्यू क्लेम कर देना है। जैसे ही आप सबमिट रिव्यू क्लेम करोगे, एक सेकंड मैं बैक चला जाता हूं, सबमिट रिव्यू करोगे तो वहां पे आपको यहां पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि भाई साहब पेमेंट, पेमेंट से पहले दो आएगा, एक मॉडिफाई आंसर पीडीएफ
और ऐसा करके, ठीक है। तो आपको वहां पर अगर लग रहा है कि हमने आंसर का फोटो सही लिया, एक पेज में फोटो खींचना है और आपको 100 MB से कम में उस PDF को अपलोड कर देना है अपने पहले तो पास में जो भी मोबाइल PC वगैरह है उसमें ले लो, उसके बाद में अपलोड करना है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन लग रहा है नहीं हो रहा है तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखें। अब यहां पर जाके आपको पे करना कितने रुपए, 200 रुपए। 200 रुपए आपके नॉट रिफंडेबल है, वापस नहीं आने वाले। आपने 200 रुपए, चाहे आपका क्वेश्चन सही हो चाहे आपका क्वेश्चन गलत हो, 200 रुपए लगने वाले हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में देखो यहां लिखा है सब्जेक्ट एप्रिशिएट। अब यहां पे आपको क्या करना है, बायोलॉजी केमिस्ट्री का देखना है। तो यहां रिकॉर्ड रेस्पॉन्स चैलेंज, यहां देखो चैलेंज आंसर OMR, यहां पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पहले तो आप अपना OMR वहां से डाउनलोड कर लेना है। आप वहां से डाउनलोड कैसे, कि आप जब अपना OMR देखोगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा। एक साइड में पेज पे लिख लो कि मैंने पहले का 10वां आंसर, मतलब पहले का 3रा दिया था, दूसरे का 2रा दिया था, तीसरे का 4था आंसर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या करो, बायोलॉजी की आंसर की खोलो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या दिया था, 1 दिया था। अब काफी बच्चे दिक्कत ये कर लेते, बोलते हैं सर आप हमें भेज दो। अब मैं क्या पता इस बच्चे का बुकलेट ए बुकलेट का है। अब ए बुकलेट का आंसर ये है, ए बुकलेट में ये है, पहले का आंसर मतलब थर्ड का थर्ड दिया है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है तो थर्ड का सेकंड आंसर, फोर्थ का सेकंड आंसर, ठीक है, फाइव का फोर्थ आंसर। अब फाइव का फोर्थ आंसर है लेकिन तुम्हें लग रहा है फाइव के अंदर फर्स्ट आंसर करेक्ट है, तो आपको यहां पे क्लिक करना है। अब ये कैसे पता चलेगा, पहले तो अपना पेपर लेके आओ, पेपर देखो कि आपका पेपर कौन सा था। अगर ए पेपर था, बी था, सी था, डी था, जो भी आपका XYZ पेपर था, डजंट मैटर, ठीक है। ले लिया सर पेपर हाथ में, क्या करना है, पांचवा क्वेश्चन पढ़ो। पांचवा क्वेश्चन पढ़ लिया, पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है न्यूक्लियोट, मैं एक एग्जांपल के बारे में बता रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड बना होता है, ठीक है, 8, 9, 7, वो अलग अलग सेगमेंट वगैरह होता है, उनके जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। बायोलॉजी में जो क्वेश्चन चैलेंज हुआ वो पूरा क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, उसने श्यूट ने आंसर माना 9 लेकिन आप बोल रहे हो उसका आंसर 8, तो क्या करना है, 8 कहां पे है, NCERT में फोटो खींचो, फोटो खींच के PDF बनाओ 100 MB से कम की, बना ली सर। अब उसका आंसर सर 8 है, वो थर्ड में दे रखा है लेकिन CUT ने फोर्थ करेक्ट माना है, ठीक है। तो आपको थर्ड पे क्लिक करना है, थर्ड पे क्लिक करके क्या करना, नहीं सर मुझे दो क्वेश्चनों में डाउट है, तो वापस एक 42वें क्वेश्चन का आंसर CUT ने फोर्थ दिया है लेकिन आपको फर्स्ट लग रहा, तो फर्स्ट पे भी क्लिक मार दो। अब करना क्या है, यहां पर आपको दोनों की PDF में एक साथ में फोटो डाल के अपलोड करनी। यहां ड्रॉप दिया है तो इसका मतलब है कि 5, यहां ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, ठीक है, ये डिलीट क्वेश्चन हो जाएगा। जिन्होंने भी आपका 49 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ए सीरीज में और उनको लग रहा है उनका आंसर नहीं मिला, तो इसमें या तो फाइनल आंसर की में आंसर आ जाएगा, अगर फाइनल आंसर की में आंसर नहीं आया तो ये आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अरे 100 MB नहीं है भाई, 100 KB नहीं है, 1 MB 1000 KB तक कर सकते हो, ठीक है। ये कर दिया, उसके बाद में आपको कर देना सबमिट, सबमिट रिव्यू करके आगे, वो भी दो क्वेश्चन चैलेंज किए ना, एक क्वेश्चन के 200, दो क्वेश्चन के 400 रुपए। अब वापस क्या करना है, केमिस्ट्री में वैसे ही वैसे केमिस्ट्री का आंसर की पढ़ा है, ये ए सीरीज का आंसर की है। अब सर इसमें कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं दोस्त, मैं बताता हूं। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा ए सीरीज में, सेकंड का सेकंड होगा। अब आपका बी सीरीज है तो पहले का आंसर सेकंड जा सकता है, आपका सी सीरीज है तो पहले का आंसर फोर्थ जा सकता है। पहले प्लीज फाइंड आउट योर आंसर की। अब कैसे पता चलेगा सर हमारे पास में कौन सा ग्रुप था, अरे मेरे लाल थोड़ा ध्यान से देख, यहां पे जाना है, ठीक है, यहां आपको अपने बायोलॉजी के OMR पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहां एक चीज लिखी आ रही है, टेस्ट बुकलेट कोड ए, ए है आपका। अब ए में देखो ये मैच है, पहले का ये आंसर, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का, इस बच्चे के तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 500 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने मैच भी कर लिया है, ठीक है। और इस एक क्वेश्चन चैलेंज है तो वो मैं बता देता हूं, मैंने बता भी दिया था, न्यूक्लियोटाइड में जिन्होंने CUT ने आंसर 9 दिया लेकिन उसका आंसर 8 है। हमारे पास में पेड काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 500 के समथिंग आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनके नंबर 350 वाला है उनके भी सिलेक्शन होंगे, ठीक है, 250 वाले। अभी पेड काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा काफी बच्चे। तो ये आई होप की आंसर किस रिलेटेड सारी चीजें समझ गए होंगे, कैसे चैलेंज करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, देख लिया। अब आप करो अपना चैलेंज, पूरा चैलेंज कर दिया, फिर आपको लग रहा है नहीं चैलेंज कुछ नहीं करना, आंसर की देखना, देख लिया। आफ्टर 2 डेज आपका चैलेंज हो जाएगा बंद, 9 तारीख तक 5 बजे से पहले जिनको भी चैलेंज करना है करो, उसके बाद आप CUT को कुछ नहीं बोल सकते, NTU, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर की सर कब तक आएगा, आप
13 तक आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 12-13 तक आ जाना चाहिए, 12 तक आ जाएगा, ठीक है, 12 तक आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, आफ्टर 7 डेज, फाइनल आंसर की के 7 दिन बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। ये तो सीयूटी के बाय प्रोसेस है। हमने माना था 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है और उसके इर्द गिर्द ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है सर, ये चीजें तो हम समझ गए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज वो समझाओ वो क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब चीजों को मैं ले लेता हूं, अरे यार मैं पेन टैब ले लेता हूं साथ में, क्योंकि तुम्हें चीजें समझानी है ना, तो साथ में लिख के बताऊंगा तो तुम्हारी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, एक मिनट का वेट करो, मैं पेन ले लेता हूं। अब आपको क्या करना है, चीजों को समझना है। पहले तो किसी की कोई दिक्कत आ रही 9214005895 पर कॉल करके मैसेज करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां ले लेते हैं हम पेन, अब यहां पे ले लेते हैं पेन और चलते हैं अगली चीज। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सर एक चीज, हाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं, हमने हमारा पेड प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है जिसका फीस है 499। सर ये किस बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, कितने नंबर आ रहे हैं, हमें ये चीज ज्वाइन करने से फायदा होगा, मैं ये चीजें बताऊंगा। आपके कम नंबर आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, पेड काउंसलिंग आपको कितने नंबर तक ज्वाइन करनी चाहिए, पेड काउंसलिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, पहले तो मैं ये बता देता हूं, पेड काउंसलिंग हम मतलब होता है पर्सनल मेंटोरशिप। इसके अंदर पहली चीज है हम आपको पूरा गाइड करेंगे एक एक चीज से रिलेटेड, हर इंफॉर्मेशन आपके क्लियर करेंगे, चाहे आप कॉल मैसेज किसी टाइम करो, ठीक है, बाकी कॉल सबके अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता, अगर आप पेड मेंटोरशिप ज्वाइन करते हो तो आप किसी भी टाइम अपने कॉल करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है सर। उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद में आपको डेली आप किसी टाइम कॉल मैसेज के थ्रू या गूगल मीट होगा उसमें भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, एक एक कॉलेज की इंफॉर्मेशन कॉलेज के स्टूडेंट के द्वारा आपको पूरा स्टडी मटेरियल कॉलेज में जाने से पहले फ्री टाइम में पढ़ने के लिए अवेलेबल करवा देंगे। और सर क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग आपको लिस्टें देते हैं, हम आपको 15-20 प्रकार की अलग अलग लिस्टें देंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, वो तो हो गया। उसके बाद हम आपको काउंसलिंग खुद करके देंगे, काफी ऐसे बच्चे नहीं सर हमें तो सिर्फ लिस्ट चाहिए हम काउंसलिंग खुद कर लेंगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं तुम खुद काउंसलिंग करो, लेकिन फाइनल चेक हमारे हाथों से जब तक हर स्टूडेंट का नहीं हो जाता है उस स्टूडेंट को हम फ्री नहीं छोड़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों का बहुत ज्यादा दिक्कत आता है सर, उसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें भी हम पूरी हेल्प करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन में हर कॉलेज के स्टूडेंट के नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ये तो ठीक है सर। अब ये बता दूं ये किस किस को ज्वाइन करना चाहिए, क्या 150 नंबर आ रहे हैं तो भी ज्वाइन करना चाहिए, कितने नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा आप तो ये बताओ पहले, एक मिनट ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूं आपका सिलेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहां मैं एक स्क्रीन ऐड कर लेता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं कैटेगरी, यहां क्या लिख लेता हूं कैटेगरी, यहां लिख लेता हूं मैं कट ऑफ, ठीक है। ये किसका कट ऑफ है बच्चों, हमारा 2024, मेनली मैं ICAR के बारे में बात करूंगा, बाकी दूसरे सारे कॉलेज हैं उनके बारे में बता दूंगा, ठीक है, और लास्ट में जाके मैं आपको BHU का भी कट ऑफ बताऊंगा, ओके। अब पेड काउंसलिंग तो सबके लिए है ही, ये आपका जनरल कैटेगरी, ये आपका OBC कैटेगरी, ये आपका EWS कैटेगरी, ये आपका कौन सा कैटेगरी रे बोलो ना, ST कैटेगरी और ST साथ में लिख देते, ज्यादा फर्क नहीं, एक सेकेंड थोड़ा बहुत रहता फर्क, लेकिन मैं थोड़ा समझ जाना आप, ठीक है। उसके बाद में अदर, अदर में सर क्या आता है, इसमें आपका PWD, उसके बाद में एक आपको पता है UPS कैटेगरी के बच्चे आते हैं, ठीक है, जिस स्टेट में कोई भी एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी नहीं होता वो। अब जनरल कैटेगरी का सर कट ऑफ, जिन बच्चों के नंबर 250 प्लस आ रहे हैं, 250 के समथिंग आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं लास्ट तक श्योर हो जाएगा। CUET के अंदर OBC के अंदर 245 मान लो, इसमें भी अगर आपके 245, अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि इतने नंबर पे आपको एग्रीकल्चर मिलेगा, एग्रीकल्चर के लिए कल मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि अब मार्क्स के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर कितने मार्क्स पे मिलेगा, हॉर्टिकल्चर कितने मार्क्स पे मिलेगा, फॉरेस्ट्री कितने मार्क्स पे मिलेगा, ये कल के वीडियो में बताऊंगा। यहां मैं आपको बता रहा हूं आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन कितने मार्क्स से ऊपर है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। SC ST कैटेगरी में जिन बच्चों के 200 प्लस नंबर आ रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका सिलेक्शन लास्ट तक श्योर हो जाएगा, ठीक है। और इन बच्चों के तो लगभग 100 प्लस नंबर भी आ रहे हैं ना, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये तो कट ऑफ हो गई, क्या सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं तो हमें पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन सर हमारे नंबर तो 230 आ रहे हैं या फिर हमारी SC ST कैटेगरी में 150 के समथिंग आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो बच्चों एक चीज बता देता हूं, राजस्थान के जयपुर शहर में सिचुएटेड उत्थान करियर इंस्टीट्यूट
जिन्होंने सीयूईटी यूजी 2024 में मोर देन 50 स्टूडेंट, ये बता रहा हूं मोर देन 50 स्टूडेंट जिनका रिजल्ट है 500 प्लस मार्क्स, और ऐसे बच्चे जिनके 550 के समथिंग स्कोर है वो है 10 संख्या, 500 प्लस स्कोर, और इतना पुराना कोचिंग नहीं है, लास्ट दो सालों में जो रिजल्ट दिया है डेफिनेटली आप भरोसा करो। और जिन बच्चों को अपनी तैयारी पूरी कंटिन्यू करके एक देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रखा है, वो बच्चे उत्थान करियर इंस्टीट्यूट का न्यू बैच लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, 8 जुलाई और 15 जुलाई के बैच स्टार्ट है, आप 15 जुलाई के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, नहीं सर अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी अभी ज्वाइन करना है, तो ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर 9549405036 या फिर आप सीधी बात है 9214005895 पर मैसेज करो और सीधी बात बोलो सर थोड़ी बहुत फीस में भी हेल्प होगी या नहीं होगी, तो मेरे द्वारा आप कॉन्टेक्ट करवाओ, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। ये बच्चा वही है, ये बच्चा वही है जिसका स्कोर देख लेना अभी, ये तो मैंने इसको ऐड नहीं किया, इसका स्कोर है 550 यूटी में, और ये वही बच्चा है जो हमारे एक साल पहले मेरे गाइडेंस में था, ये वही बच्चा है जिनका जेईटी के अंदर पेपर देने में मतलब ई मित्र वाले ने फॉर्म भरते टाइम में गलती कर दी थी, फॉर्म नहीं, और सीयूटी में नंबर कितने आ रहे हैं 510, भगवान साथ में होते हैं मेहनत करने वाले बच्चों के, इस बच्चे के नंबर आ रहे हैं 510, इस बच्चे के नंबर आ रहे हैं 550, इस लड़की के 510, 530, अभी तो मैंने इतने ही चेहरे दिखाए हैं, जब सीयूटी का ऑफिशियल रिजल्ट आएगा इतना इतने ऊपर तो हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि इतने तो नंबर आ ही रहे, मैंने ऐड दी क्या है, ठीक है इतने ही बच्चों को ऐड किया है, लेकिन आपको जब सीयूटी का रिजल्ट आएगा ना उस दिन यहाँ 50 बच्चों की लिस्ट दिखाऊंगा, बिलीव करना आप कि 500 प्लस के कितने बच्चे या 50 के समथिंग बच्चे तुम्हें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें टॉप यूनिवर्सिटी में जाना, तो यहाँ भाई देश की बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, जिसमें आपको मतलब हर चीज क्लियर करके दे रही, एक हाई लेवल की एजुकेशन आपको दे रही है, तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें उत्थान करियर इंस्टीट्यूट को और अपने जो भी सपने पाल रखे हैं उनको साकार करो, क्योंकि आपको बायोलॉजी के चार चार टीचर, केमिस्ट्री के चार चार टीचर, एग्रीकल्चर, हर पर्टिकुलर फिजिक्स, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सेपरेट टीचर मिल रहे हैं, सीयूईटी हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में बेहतरीन रैंक देने का काम कर रहे हैं। सो प्लीज जिन बच्चों को नीड है डेफिनेटली ज्वाइन करो, बाकी जिन बच्चों को पेड काउंसलिंग की भी जरूरत है तो हमने पेड प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं जिसका फीस 499 है, ओके। बाकी किसी की कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, डाउट है तो आप नीचे जो हेल्पलाइन नंबर या कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ, थैंक यू वेरी मच।